लंबे समय से आंदोलनरत रहे सहायक पुलिस कर्मियों पर पुलिस ने शुक्रवार को लाठियां बरसाई है। वह सुरक्षा घेरा तोड़कर अलग रास्ते से सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे थे। बता दें कि सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वह बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। इस दौरान पथराव हो गया जिससे दोनों पक्षों की ओर से कई लोग घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल सुबह से सहायक पुलिस कर्मियों का एक प्रतिनिधि मंडल झारखंड के वरीय अधिकारियों के साथ वार्ता करने गए थे, जहां एक साल अनुबंध बढ़ाने और वेतन बढ़ोतरी पर सहमत बनी। वहां से वापस लौटने के बाद वे सभी उठकर सीएम आवास का घेराव करने पहुंच गए, जहां उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई। इस दौरान सुरक्षा बलों के जवानों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वह उनसे उलझ गए। इस दौरान वहां पर पथराव हो गया जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। सूचना तो यह भी है कि वहां खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। गौरतलब है कि सहायक पुलिस कर्मी लंबे समय से आंदोलनरत है। इससे पहले भी उन्होंने विशेष सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। उनकी बहाली उस वक्त की तत्कालीन सरकार रघुवर दास के समय साल 2017 में हुई थी। इसका मकसद राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने में पुलिस कर्मियों की सहायता करना था। तब से लेकर आज तक उन्हें 10,000 रुपए ही मिलता है। उनकी मांग है कि सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा स्थायी कर दी जाए और उन्हें पुलिस सेवा में समायोजित कर दिया जाए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।